हेलो दोस्तों, आप सबका अपना गोल्डन भाई आ गया है एक और वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हेलो दोस्तों, आपका अपना अजय काला। ओ टेटू मेरे चुत्तड़। नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा इन लोगों को देखकर इतना दिमाग खराब हो गया कि बस मैंने सोच लिया यार, अब इनके ऊपर वीडियो तो बनानी बनती ही है। ये लोग हैं प्रैंक करने वाले। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चुतियागिरी की है, लेकिन कभी नाम के आगे पीछे DRX, हार्ट हैकर, गोल्डन प्रिंस, किंग, लोड़ा लसन, ये कभी कुछ नहीं लगाया। तो यह है गोल्डन भैया। पहले तो तुम इसके नाम पर ध्यान दो, ये चिलगोजी सी शक्ल वाले लास्ट में गोल्डन लगा लेने से तो सुनहरा नहीं होने वाला। तू क्या सोचता है, एक सोने की चैन पहन कर तू गोल्डन लगा लेगा तो ये लोग क्या लगाने वाले हैं? ये अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। माना भगवान ने तुझे अच्छी शक्ल नहीं दी, बट अक्ल तो तेरे पास थी, थोड़ी बहुत उसे पढ़ लिख कर इंक्रीज कर सकता था, लेकिन नहीं। तो मैं चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने चनूने काट रहे हैं। इसके प्रैंक देखो, तुम ये लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। टिटू लगा जरा। मोबाइल ले सकती हो तुम? क्यों? देखो टैलेंट दिखा दूंगा तुझे। जादू दिखाऊं? अब पक्का सोच लो, गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा फिर। ध्यान से देखो, तुम्हारी फोटोज हैं। कैसे किया आपने? है कि नहीं तुम्हारी? किया कैसे आपने ये? अब तुमको बताता हूँ, तुमने कल किससे बात की और कहाँ कहाँ बात की। तुम्हें लास्ट के 3 डिजिट में बता रहा हूँ। 109 कल तुमने बात किया था 9 बजे। 253 आज तुमने 1 घंटे पहले बात किया था। और कुछ बता दूँ? बताओ। तुम्हारे अकाउंट में 54,000 रुपये हैं। 54,000? OMG, ये आपको कैसे बताओ? तो फिर गर्लफ्रेंड दिल तो नहीं तोड़ोगे? पक्का? क्या हुआ, कुछ जादू कर रहा हूँ ना? अभी देखो तुम्हारा जादू हो जाएगा तुम्हारे फ़ोन में। तो गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाओ फिर। ये तुम दोनों की पिक्चर है। हमारे में है 21,035 रुपये, तुम्हारे में 26,000। प्यार करना पड़ेगा आपको मुझसे। हंस, बहुत अच्छे रहोगे आप। हंस मत, अगली प्यार हो जाएगा। जादू हो गया, बनोगे गर्लफ्रेंड? अब दिखाओ ना। जा दिखा दूँ? दिखा दो। चलो मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ये सारी फोटोग्राफ आपकी? ये मेरी है। है ना आपकी? और भी कुछ दिखा दो। 19,60,000। ओए टीटू, लैपटॉप छुपा ले, मार्केट में इतने खतरनाक हैकर घूम रहे हैं। IIT करने वाले लोग ये देखेंगे तो वो एक ही बात बोलेंगे, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है, ये दुनिया बहुत खराब है। और गोल्डन भैया की इंग्लिश क्या कमाल है। मैं प्रूफ भी कर दूंगा कि मैं बहुत लॉयर इंसान हूँ। होनहार भी लॉयर इंसान, ये लॉयर इंसान। अब बहुत अट्रैक्टिव लग रहे बात। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब बहुत अट्रैक्टिव लग रहे बात। अरे बोला ना, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। जो लोग इसकी वीडियो देखते हैं उनको एक बात क्लियर कर दूं, कहीं तुम्हें इस वहम में हो कि ये वीडियो सारी की सारी रियल हैं और ये लड़कियां जो हैं वो रैंडमली आ जाती हैं। तो मैं एक बात यहां पर तुम लोगों को बताना चाहूंगा, ये सारी की सारी CP में जाती है TikTok बनाने। ये जाता है वहां पे 10-20 रुपए देके इन TikToker को अपनी वीडियो में आने के लिए राजी कर लेता है, जो इनकी फेस या ब्रांड वैल्यू होती है। और कहीं तुम लोगों ने इसे रियलिटी मानकर किसी लड़की के साथ ऐसा कर दिया तो कसम से ऐसे लाफे पड़ेंगे, 3 कलर का पसीना निकलेगा, लाल, पीला और नीला। और गोल्डन भैया का थंबनेल, वाह क्या बात है, जरा देखो, 200 करोड़ रुपए की मालकिन। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बेटा उतना ही हगा करते हैं जितना खाया होता है, अगर उससे ज्यादा हगने की कोशिश करोगी जो पसलियां हैं वो भी बाहर आ जाएंगी। और गोल्डन भैया, सच में तूने कभी किसी के साथ रियल वाला प्रैंक किया? अगर तूने किया होगा ना, तेरे मुंह से एक ही ऐसी आवाज निकलेगी। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये क्या डायलॉग यूज करता है यार अपनी वीडियो में। बाल बाल तो बड़ा अच्छा वाला, ये कौन सा फैशन बोलते हैं इसको, बता दो यार जरा मुझे आईडी। बाल कहाँ से कटवाया आपने? कटवाते हैं हेयर ड्राई करवाते हैं, क्या करवाते हैं? अच्छा, इसको मतलब कौन सा वो बोलते हैं ना, फैशन वैशन क्या होता है, मुझे इतना आइडिया है ना फैशन के बारे में, क्या बोलते हैं, कौन सा फैशन है? साला सेम लाइन, मतलब थोड़ी सी तो स्क्रिप्ट चेंज कर यार। अनम? यस। नाम तो बड़ा यूनिक है आपका। थैंक यू।
अनम मतलब कैसे ख्याल में आया अनम नाम रखने का? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कभी पेरेंट्स से। कभी पूछना कि क्यों अनम क्यों रखा गया आपका नाम? यही नतीजा होता है बचपन में स्कूल ना जाने का। पढ़ते क्या हो? स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट। स्टूडेंट। अबे स्टूडेंट। स्टूडेंट। अबे निकालो रे इसको कोई यहाँ से। मैं उठाऊं चाहो तो चख लो मुझे। ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। एक बात लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, जो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट बनती हैं। नहीं, अब लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है जब इनके सामने ये नंगा हो रहा है। आप मुझे बहुत पसंद हो। ये क्या कर, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मेरे पास इतना टैलेंट है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ओके फेमिनिस्ट, ओके। बस यार इसे और नहीं झेल सकता, आज का मुजरा यहीं खत्म करते हैं। और ये अकेली वीडियो नहीं है इस प्रैंक के ऊपर, और भी आने वाली हैं। और इन जैसी वीडियोस को और देखने के लिए मेरे साथ आपको जुड़ना होगा, और समझदार को इशारा काफी है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।